सरकार। फिल्में हर कोई बनाता है, अच्छी फिल्में बनाना सबका प्रयास रहता है, सबकी कोशिश रहती है, लेकिन उस कोशिश के पीछे जो कड़ी मेहनत होती है वो फिल्म बनने के पहले दिखती है, जो मुझे इस फिल्म के डायरेक्टर के अंदर दिखी। भोजपुरी के लिए दबंग सरकार एक ऐसी फिल्म होगी जो ऑडियंस के लिए तो एक फुल एंटरटेनमेंट है ही, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए भी, भोजपुरी इंडस्ट्री को भी अपग्रेड करेगा ये सिनेमा। मैं ये नहीं कहूंगा कि अलग सिनेमा है, लेकिन हाँ ये जरूर कहूंगा कि दबंग सरकार बेहतर सिनेमा है, और जिन लोगों को बेहतर की उम्मीद है उस कसौटी पर ये जरूर उतरेगी और लोगों का प्यार मिलेगा। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं योगेश राज मिश्रा जी, वो मेरे गुरु भी रहे हैं, और जो भी सीखा है एक्टिंग की बारीकियाँ मैंने उनसे सीखी है। तो सीखते समय मैंने ये खास तौर से ध्यान दिया है कि उनके पास दो दिमाग है, जो एक काम करता है और एक स्टैंड बाई नोट पर रहता है, जो किसी को पता नहीं चलता है, और उनकी जो प्लानिंग होती है बड़े ही मतलब कह सकते हैं गहरे तरीके से होती है। योगेश जी के बारे में बता दें कि टैलेंटेड, एनर्जेटिक और जितना नम्र स्वभाव, जिस तरीके से उनका स्वभाव है उसी तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी कूट कूट के भरी हुई है। हालांकि उनकी ये पहली फिल्म है, लेकिन जब उन्होंने म्यूज़िक पे डिस्कशन शुरू किया तो मुझे लगा कि ये आदमी कम से कम 50 फिल्में करके बैठा हुआ है, और एक एक साउंड क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इस गाने का हमारा सिचुएशन तो हर डायरेक्टर बताता है, हर राइटर लिखता है, लेकिन उसके अलावा उसके साथ साथ जो साउंडिंग उसका डिज़ाइन करता है और वो डिज़ाइन बना के जब डायरेक्टर लेके आता है तो खुशी होती है, काम करने के लिए हमको भी मिलता है कुछ, और जब काम कराने वाला इतना पावरफुल होता है तो हमें भी काम करके मज़ा आता है। योगेश मिश्रा की पहली मूवी है, ऐसे इनके बताने और कहानी के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इनकी पहली मूवी है, लगता है जी कम से कम 20-25 मूवी बना चुके हैं। कहीं से स्क्रिप्ट मुझे ऐसी नहीं लगी जो हिली हुई है, आज ये 1.5 साल से इस स्क्रिप्ट पे काम कर रही है, तो एक डायरेक्टर 1.5 साल से अगर चीज़ों को सोच रहा है तो बेहतर सोचेगा। मैं इस फिल्म की बात कर रहा हूँ, ये फिल्म टोटली पूरी तरीके से डेडिकेट कर रहा हूँ खेसारी जी को, क्योंकि मैंने जो फिल्म लिखी है या मैंने जो फिल्म लिखवाई है या जो भी कॉन्सेप्ट है हमारा इस पिक्चर का, वो खेसारी जी के ऊपर ही है, क्योंकि एक छोटी सी उम्र में इस लेवल पे पहुँचाया उन्होंने भोजपुरी को, ये बहुत अपने में ही बहुत बड़ी बात है। दबंग सरकार।